हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर विकास कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इन पेशेंट डिपार्टमेंट। लास्ट टाइम आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिटेल्स में देखा था। आज हम आगे देखते हैं कि जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से काम करते हैं हॉस्पिटल में, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक्स। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द इन पेशेंट डिपार्टमेंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन पेशेंट जो डिपार्टमेंट होता है वह क्या होता है। द पेशेंट स्टे एट द हॉस्पिटल फॉर ए डे और द मोर आर कंसिडर IBTs। ऐसा पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में 24 घंटा या फिर एक दिन के लिए उसको एडमिट होना पड़ता है, या फिर उससे अधिक भी समय लग सकता है। इस तरीके के जो डिपार्टमेंट होता है, जो जो जिसमें पेशेंट एडमिट होता है, उसको हम इन पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। इन पेशेंट डिपार्टमेंट्स पेशेंट आर द अनस्टेबल और द पेशेंट हु नीड टू स्पेशल मेडिकल अटेंशन। तो जिसमें जो पेशेंट रहता है उसका कंडीशन इतना नहीं रहता कि वह OPD के द्वारा अपना इलाज करा सके, क्रिटिकल कंडीशन रहता है, और एक स्पेशल मेडिकल अटेंशन या फिर मेडिकल टीम की ज़रूरत पड़ती है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट कंसिडर ऑफ ए वार्ड विथ नर्सिंग स्टेशन, बेड्स एंड ऑल अदर फैसिलिटी एंड सर्विसेज। तो जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है वह भिन्न भिन्न प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल के द्वारा, जैसे नर्सिंग स्टेशन है जिसमें नर्सिंग स्टाफ काम करते हैं, बेड होते हैं, एंड ऑल अदर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज भी होते हैं नेसेसरी फॉर फूड पेशेंट केयर। और जो उसके खाना का बंदोबस्त भी इन पेशेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हॉस्पिटल एज द एवरी रेशियो एंड सर्कुलेशन फॉर द हॉस्पिटल प्लानिंग एंड डिज़ाइन प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ द बेड एंड कंसिस्ट। जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो अलग अलग बेस पे इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके सर्कुलेट भी करते हैं। जो डिज़ाइन होता है वह नंबर ऑफ बेड के हिसाब से होता है। तो इस तरीके से हमने देखा है स्टूडेंट, जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है वह डिपार्टमेंट होता है जिसके अंतर्गत वह पेशेंट जो कि उसको 24 घंटा या फिर 24 घंटे से अधिक एडमिट होने की ज़रूरत होती है, वो अनस्टेबल पेशेंट होता है, उसको स्पेशल मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, मेडिकल टीम की ज़रूरत होती है, और यह डिपार्टमेंट जो है वो स्टेशन, नर्सिंग स्टेशन, बेड्स एंड अदर फैसिलिटी सर्विस जो है प्रोवाइड करता है, और अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग इसके फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं एज़ पर द हॉस्पिटल। एंड जो इसके जो चार्जेस होते हैं वो भी अलग अलग हॉस्पिटल में होते हैं। तो स्टार्टिंग में ही हम कोई भी मेडिकल या फिर जो हॉस्पिटल्स है उसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा पेशेंट IPD है, कौन सा पेशेंट OPD है। उसके हिसाब से पर्टिकुलरली जो हॉस्पिटल्स होते हैं वह जो है वह सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन पेशेंट को एज वेल एज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को। आगे हम देखते हैं फंक्शन। अब मेन फंक्शन क्या क्या है IPD का, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। टू प्रोवाइड द हाई पॉसिबल क्वालिटी ऑफ द मेडिकल एंड नर्सिंग केयर, जो अधिक से अधिक मतलब हाई लेवल ऑफ द पॉसिबिलिटीज हेल्थ केयर, मतलब अधिक से अधिक जितना हो हाई केयर जो प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को, ताकि उसका जो क्रिटिकल कंडीशन है वह ठीक हो सके। क्योंकि वही पेशेंट एडमिट होता है या इन पेशेंट कहलाता है जो अपने नॉर्मल जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पाता, उस पेशेंट को ही हम एडमिट कराते हैं और उसको इन पेशेंट कहते हैं, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली। टू मेक द प्रोविज़न ऑफ द एसेंशियल इक्विपमेंट, ड्रग्स एंड अदर मटेरियल रिक्वायर फॉर द पेशेंट्स, जो कि अदर मटेरियल्स होते हैं जो कि पॉसिबली
बहुत ज़्यादा ज़रूरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं उस पेशेंट के लिए। इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे बीपी मशीन हो गया, शुगर मशीन हो गया, है ना, इसके अलावा ऑक्सीजन मशीन हो गया, ये सब जो है वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में इन पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। ड्रग्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पर्टिकुलरली अलग अलग डिसीज़ के लिए अलग अलग ड्रग प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके लिए जो फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है, अगर किसी पेशेंट को ड्रग देना है या फिर उसका जो भी इमरजेंसी केसेस है उसके लिए वह एक लिस्ट बनाता है, वह लिस्ट को फॉरवर्ड करता है फार्मासिस्ट के पास। तो फार्मासिस्ट का यह मेन जॉब होता है कि वो पर्टिकुलरली राइट मेडिकेशन राइट टाइम में राइट प्लेस पे प्रोवाइड करे। मतलब वह जो मेडिसिन है फार्मासिस्ट, वह जो सही मेडिसिन जो है वो पेशेंट को पर्टिकुलरली प्रोवाइड करे, है ना, ताकि उसको सही ड्रग मिले और जो डॉक्टर फिजिशियन जो लिखा है वही मेडिसिन प्रोवाइड करे। एंड अदर्स मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट, और अदर भी रिक्वायर्स होते हैं जो कि मटेरियल्स होते हैं या फिर इक्विपमेंट होते हैं या फिर उसके जो एक्टिविटी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं उसको जो प्रोवाइड किए जाते हैं। टू प्रोवाइड द कंफर्टेबल एंड डिजायरेबल इन्वायरमेंट टू द पेशेंट ऑन टेम्प्रेरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ द होम। तो इस तरीके से जो पेशेंट रहता है उसके लिए एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है जिसमें वह घर जैसा महसूस करे, ताकि उसको अनकंफर्टेबल महसूस ना हो उसके लिए। यहाँ तक कि इन पेशेंट के लिए यह भी देखा गया है कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कि वहाँ पे जो एलईडी टीवीज है ना, सिनेमा, उनके जिस होम जैसा घर जैसा महसूस करने के लिए टीवी लगाते हैं, है ना, और प्राइवेट वार्ड होता है, प्राइवेट वार्ड होता है उसमें अच्छे साफ़ सुथरे पर्दे लगे होते हैं और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं जिसके जिसके कारण वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सके। टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ फॉर द विजिटर्स, और जो विजिटर्स आते हैं जो उसके जो रिश्तेदार होते हैं पेशेंट के, उसके लिए यह भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है कि वह आए और पर्टिकुलरली पेशेंट से मिले और उसका हाल चाल पूछे और वह उसके बारे में नॉलेज ले सकता है। टू प्रोवाइड द सुटेबल एटमोसफियर फॉर द हाइस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ द जॉब सेटिस्फेक्शन एमॉन्ग द हेल्थ केयर पर्सनल्स एंड द हाई लेवल ऑफ द पेशेंट सेटिस्फेक्शन। तो ये जो इन पेशेंट होता है उसको जो है हाई पॉसिबल डिग्री ऑफ द जॉब सेटिस्फेक्शन दिया जाता है, अच्छी से सुख सुविधा सेवाएँ दी जाती है, अच्छी केयर किया जाता है जिससे वह जो है जल्दी से स्वस्थ हो सके। टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में यह भी फैसिलिटीज होता है कि जो आने वाले जो नर्सिस स्टेशन हैं या डॉक्टर्स हैं जो अभी अभी जो अपना डिग्री कंप्लीट करके आए हैं उसके लिए यह फैसिलिटीज होता है कि वह एजुकेट हो सके या फिर समाज को या पेशेंट को या फिर उसके रिश्तेदार को एजुकेट करें, कौन इन पेशेंट डिपार्टमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करे जो नए नर्स स्टेशन आए हैं उसको, या ट्रेन उसके बाद रिसर्च की भी सुविधा इसके द्वारा दिया जाता है। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो पेशेंट है वह एडमिटेंस फ्लो चार्ट कैसे जो है वो पेशेंट जो है एडमिट होता है उसके बारे में। द पेशेंट इंटर्स पेशेंट इंटर करता है उसके बाद एडल्ट पेशेंट होता है, द पेशेंट केयर डिपार्टमेंट में जाता है। पेशेंट केयर डिपार्टमेंट में भिन्न भिन्न जो है अलग अलग प्रकार के जो केयर होते हैं वह उनको देते हैं। उसके बाद उसका अच्छे से इलाज होता है, डायग्नोसिस होता है, केयर होता है, जैसे नर्स स्टेशन है, फार्मेसी स्टेशन है, डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट केयर एंड देन देट इज़ फाइनली फॉर द डिस्चार्ज डिपार्टमेंट में जाते हैं। उसके बाद पेशेंट आउटकम्स पेशेंट जो है वो अपने घर होके ठीक होके चला जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं देयर इज़ अ फ्लो चार्ट ऑफ द पेशेंट एडमिशन द फ्लो चार्ट्स। देन लोकेशन, जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है उसका लोकेशन किस तरीके से होना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें
should be at the back side of the hospital complex to avoid the traffic flow and congregations. तो जो IPD का जो लोकेशन होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि बाजू में होना चाहिए हॉस्पिटल के, उससे लगा हुआ नहीं होना चाहिए OPD से, जिससे यह हो सकता है, या फिर सेपरेट होना चाहिए OPD डिपार्टमेंट से, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से, जिसमें कि जो आवाजाही होते हैं पेशेंट का, उसके जो आउट पेशेंट्स होते हैं, है ना, डॉक्टर्स होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, तो इसे क्या जो ट्रैफिक को अवॉइड करना है ना, ताकि जो इन पेशेंट जो आ रहे हैं इमरजेंसी केसेस में जो आ रहा है उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो. एंड हैव द डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम OPD एंड इमरजेंसी एंड OT, एंड इसके जिससे कि वह डायरेक्ट और जो कि एक्सेस कर सके OPD को इमरजेंसी एंड ऑपरेशन थिएटर्स में, है ना, जिससे वह इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर्स को कंट्रोल करे. सिंगल डोर एंट्रेंस टू वार्ड कॉम्प्लेक्स टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रैफिक एंड विजिटर्स. एक सिंगल दरवाज़ा होना चाहिए, वन एंट्रेंस होना चाहिए, जिससे कि क्या है जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में है उसमें क्या है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भीड़ भाड़ जो है वो विजिटर्स जो पेशेंट विजिटर्स उसके द्वारा हो सकती है, या फिर जो नए पेशेंट आते हैं उसके द्वारा भी हो सकती है, इसलिए जो है वो एंट्रेंस वन होना चाहिए. गुड इंट्रा मुरल्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाइक वाइड कॉरिडोर एंड लिफ्ट ETC. तो जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है उसमें जो है वो अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए. अगर कोई पेशेंट IPD में एडमिट होना चाहता है तो उसके लिए वाइड कॉरिडोर होना चाहिए, अच्छा लंबा चौड़ा कॉरिडोर होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से अपने जो है वो डिपार्टमेंट तक जा सके. और लिफ्ट की सुविधा भी होनी चाहिए. अगर बहुमंजिला इमारत है, बहुमंजिला इमारत है तो उसमें जो पेशेंट IPD है तो वो तो चल फिर नहीं सकता, है ना, तो उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए जैसे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें क्या है IPD अगर ऊपर है तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए लिफ्ट की सुविधा भी होनी चाहिए. तो इस तरीके से हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ द वार्ड यूनिट्स, कौन कौन से कंपोनेंट है वार्ड यूनिट्स के. तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले एक्जिलरी अकोमोडेशंस होते हैं, उसके बाद प्राइमरी अकोमोडेशंस होते हैं, उसके बाद सेनेटरी अकोमोडेशंस होते हैं, उसके बाद एक्जिलरी अकोमोडेशंस होते हैं. तो ये जो होते हैं ये जो कंपोनेंट्स ऑफ द वार्ड, ये जो है वो जो वार्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं. तो इस तरह का प्राइमरी अकोमोडेशन, इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल बेडरूम और द मल्टीपल बेडरूम्स फॉर द पेशेंट एंड नर्सिंग स्टेशन. यह जो प्राइमरी अकोमोडेशन जो होता है वह इस तरीके से होता है कि यह तो सिंगल बेडरूम होता है, सिंगल सेपरेट बोलते हैं उसको आजकल प्राइवेट, या फिर मल्टीपल बेडरूम पेशेंट होते हैं जिसको जो जनरल वार्ड भी कहा जा सकता है. ये जो नर्सिंग स्टेशन के लिए अलग होते हैं और जो है पेशेंट के लिए अलग रहते हैं. इस तरीके से हम देखते हैं अगर फ्लो चार्ट वाइज हम देखते हैं तो यहाँ पर देखा गया है जो प्राइमरी एरिया है वो ऊपर तरफ है, ये जो सिंगल एंट्रेंस है, सेनेटरी एरिया है, एक्सिलरी एंड एक्सिलरी एरियास है, नर्सिंग स्टेशन है 8 मीटर का यहाँ पे जो जो है वो गैप दिया गया है, है ना, यह जो है सुविधा जो है इन पेशेंट डिपार्टमेंट में दिया जाता है. एक्सिलरी अकोमोडेशन सर्विस फॉर द डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, जैसे पोर्टेबल एक्सरे, साइड लैब एंड पेट्रीज. इसमें जो है एक्सिलरी अकोमोडेशन में जो है वो जो अदर सर्विसेज हैं जैसे एक्सरे कराना, साइड लैब हो गया ब्लड चेकअप के लिए, और जो खाने पीने के जो पेट्रीज होते हैं, है ना, उसको जो है वो किस में रखा गया है, एक्सिलरी अकोमोडेशन में रखा गया है. उसके बाद डाइटिशियन सर्विस, मोबाइल फार्मेसी, ये सब जो है वो
एक्सिलरी ऑफ कोडमेशन में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट है वह एक्सिलरी ऑक्यूमेंटेशन के अंतर्गत आता है। एक्सिलरी ऑक्यूमेंटेशन जो है सर्विस इन द इनडायरेक्ट सपोर्ट ऑफ द ट्रीटमेंट लाइक स्टोर, हाउसकीपिंग, डॉक्टर्स रूम, नर्स रूम, सेमिनार, टीचिंग्स रूम। तो ये जो है वो एक्सिलरीज में आते हैं। स्टेशनरी अकोमोडेशन में कंसिस्ट ऑफ द WC, बाथरूम, जनरेटर्स रूम एंड स्विस रूम। दे आर दे ये जो हैं वो सैनिटरी अकोमोडेशंस में आते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक देखा स्टूडेंट्स इन पेशेंट के, है ना। अब इसे हम आगे कंटिन्यू और करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।